Okay, G, today we are going to start with partition of Bengal and annulment of Bengal. Subcontinent ki tareekh mein, this is the most significant, you can say, the most significant development. Or is development ne subcontinent ke मुसलमानों के अंदर ये कहा जाता है कि अवेयरनेस पैदा करने में बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन जब मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जब मैं इस बात को अवेलुएट करता हूं, तो मैं इसको मुस्लिम राइज की बजाय मैं इसके लिए एक दूसरा स्टैंड जो है वो लेना ज्यादा मतलब मुनासिब समझता हूं कि ये बंगाली नेशनलिज्म का एक राइज था कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का फैसला किया गया तो एक तरह से बंगाली नेशनलिज्म जो है वो यहां पर प्रमोट होती हुई दिखाई। ये जो मामला है ये बुनियादी तौर पर 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ही हमें नजर आता है। लॉर्ड कर्जन जो है वो वायसराय ऑफ इंडिया के तौर पर 30 दिसंबर 1898 को अपना चार्ज संभालते हैं और उस वक्त लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था कि he wanted to expand his administrative reforms, जिससे एक तरह से जो है वो you can say there was some sort of opposition as well about his administrative reforms। लेकिन no doubt जब उसने कुछ steps लिए तो उसको opposition का सामना करना पड़ा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो अपोजिशन जिस बात का उसको सामना करना पड़ा वो 1905 में बंगाल की पार्टीशन के वक्त था। ये बात मतलब जो है वो भी यहां पर मैं इस बात पर ये एग्री नहीं करता कि ये लॉर्ड कर्जन के इसको we cannot say that partition of Bengal is the brainchild of Lord Curzon. No, not at all. Balki isse qabl bhi jab Charles Grant ne 1853 mein Bengal ko balance karne ke liye jo hai wo partition ki baat ki, to bahut der pehle Lord Dalhousie ne 1854 में के ये कंप्लेन की कि देयर इज एन ट्रेमेंडस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। 1866 में उड़ीसा जो है वो इसको बहुत बड़े कहत का सामना करना पड़ा, तो कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया जो कॉजेज ऑफ फेमाइन है और कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए, रीडिमार्केट की जाए द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविंस। 1872 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कैम्बल ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि वन मैन कुड नॉट सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस एफिशिएंटली। तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से जो बंगाल है उसके हवाले से डिफरेंट टाइम्स में ये प्रपोजल जो है वो मौजूद है, डिफरेंट एराज में ये प्रपोजल्स सामने आई। लेकिन इस हवाले से कोई खास डेवलपमेंट नहीं की गई। 1903 के राउंड अबाउट ये कहा जाता है कि इस सूबे की जो आबादी थी वो 7 करोड़ और 8 लाख थी।
सबसे पहले तो हमें ये बात भी थोड़ी सी तारीख में जाके देखनी होगी कि बंगाल जो था वो इब्तदाई प्रोविंसेस में था जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले टेक ओवर किया, और इसका जो कुल एरिया था वो 189,000 स्क्वायर माइल्स था। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर द होल ऑफ द प्रोविंस, पूरे के पूरे प्रोविंस के लिए वो जिम्मेदार माना जाता। तो इस चीज ने भी मतलब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को सामने रखा, और ये इम्पॉसिबल था कि टू लुक आफ्टर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इतने बड़े सूबे, और डे टू डे अफेयर्स के हवाले से कि वो तकरीबन ईस्टर्न विंग में अपने पूरे टेन्योर के अंदर शायद एक दफा जो है वो ईस्टर्न विंग में जा सकता था, चूंकि जो ईस्टर्न विंग जो ढाका था और चिटागांग था वो 5 साल के अपने टर्म्स ऑफ ऑफिस में जस्ट वंस ही कुड गो ओवर देयर। ये बात मैं पहले भी इसको मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर चुका हूँ, डिफरेंट टाइम्स में मैंने इस बात को दोहराया है कि दुनिया के अंदर जितने भी कैपिटल्स हैं वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की मरकज निगाह होते हैं। कंपैरेटिवली वो इलाके जो जिसको हम अज्यूम करते हैं कि वो तमाम इलाके जिसको हम कहते हैं कि जो साइड एरियाज हैं वहां पर शायद उस तरह से डेवलपमेंट नजर नहीं आती जिस तरह से किसी प्रोविंस में किसी कंट्री के कैपिटल में नजर आती है। तो यहां भी ऑलमोस्ट अगर आप आज के मौजूदा बलूचिस्तान की बात करें तो ये सूबा आज के बलूचिस्तान से भी बड़ा था। बलूचिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 134,051 स्क्वायर माइल है, 134,051 स्क्वायर माइल वो बलूचिस्तान का रकबा है, और ये उससे भी आप अंदाजा कर सकते हो कि कमोबेश जो है वो उससे 50 से 55 जो हजार स्क्वायर माइल जो था वो उससे ज्यादा। दैट्स व्हाई ईस्ट बंगाल नेग्लेक्टेड रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहां अनफॉर्चुनेटली एक और बड़ी चीज हमें नजर आई वो ये थी कि जो मुस्लिम थे उनकी तादाद वेस्टर्न विंग की बजाय जो डेमोग्राफिक पैटर्न था वो वेस्टर्न विंग की बजाय ईस्टर्न विंग में उतर रहा था, वहां पर इनकी तादाद कंपैरेटिवली ज्यादा। लेकिन यहां एक नुक्ता बहुत जरूरी है, उसको क्लियर होना चाहिए कि ये सारे के सारे लिंग्विस्टिकली ये होमोजेनस थे, ये एक जुबान बोलने वालों के कल्चरली एक थे। तो जो कौम के लिए शरायत थी वो बंगाली लोगों में बिल्कुल मतलब मेनवान की सही उतरती थी, ये पूरा उतरते थे कि अगर बंगाली कौम की बात की जाए तो ये बिल्कुल ठीक उतरते, ये पूरा उतरते। लॉर्ड कर्जन ने ये मोमेंटस डिसीजन लिया, और असल में ये भी एक बात थोड़ी सी मैं आपको यहां शेयर कर दूं कि ये जो डिसीजन था इट वॉज नॉट फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट, जहां ये क्लेम माना जाता है कि जनाब इससे मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ। नो डाउट
द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उससे इन्होंने फायदा उठाया, लेकिन ये कहना कि मुसलमानों के मुतालबे की वजह से ये सब कुछ हुआ था, आई एम सॉरी आई डोंट एग्री ऑन दिस पॉइंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए, और ये एक क्रेडिट फिर से मतलब जो है वो इसको जाता है कि इसने एनडब्ल्यूएफपी को भी अपने टेन्योर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया था। तो नो डाउट ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लॉर्ड कर्जन कर रहा था, एंड आई थिंक सो दैट वाज 902 अप्रोक्सीमेटली, जो इस वक्त मैं अगर रिकॉल करूं तो भी मुझे यही नजर आ रहा है। और ये कहा गया कि ओरिया स्पीकिंग पीपल के लिए जो डिफरेंट प्रोविंसेस में रहते हैं उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए। बहरहाल 1901 में चीफ कमिश्नर ऑफ द सीपी सेंट्रल प्रोविंस एंड्रयू फ्रेजर ने जो है वो संभालपुर आफ्टर मर्जिंग इट विद ओरिसा ही प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, उसने इसको बंगाल के साथ मतलब जो है वो जोड़ा। इसके साथ तो गवर्नमेंट ऑफ जो मद्रास थी उसने भी कंप्लेन की अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कि एथनिक पोलराइजेशन है, क्योंकि कई जुबानें बोलने वाले जो ग्रुप लाइक तमिल ओरिया मलयालम जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की थी, और ये एथनिक पोलराइजेशन है जो है ये सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। लोग एथनिकली रिलीजियस एथनिसिटी के अतबार से और लिंगुअल एथनिसिटी के अतबार से ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। तो तमिल ओरिया मलयालम जो मुख्तलिफ एथनिसिटीज थी लिंगुअल एथनिसिटीज इन्होंने भी मसाइल क्रिएट किए। तो ओरिया स्पीकिंग पीपल को कनेक्ट करने के लिए बंगाल के साथ ताकि इस मसले का हल किया जा सके, लेकिन मामला मजीद कॉम्प्लिकेटेड हुआ जिसके लिए डिसीजन वाज मेड टू मर्ज ढाका मेमन सिंह चटागांग विद असम। बंगालीज को जब इस बात की खबर मिली रीएडजस्टमेंट ऑफ द एरिया तो उन्होंने इस हवाले से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया कि उनको एक अंडर डेवलप्ड एरिया असम के अंदर जो है वो मर्ज किया जा रहा है, और वो इस बात पर मतलब अड़े रहे कि एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्लान वुड डिप्राइव देम फॉर ऑल दोज फैसिलिटीज व्हिच अकर्ड टू देम एज सिटीजंस ऑफ प्रोविंस रूल्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि उसको जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस तो बना दिया जाता था, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रोविंस था एक कमिश्नरी सूबा हुआ करता और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंस था। अब कमिश्नरी सूबे को फुल फ्लेज सूबे का दर्जा नहीं मिलता था, और ये एनडब्ल्यूएफपी जो है वो 1902 से ऑलमोस्ट 1932 तक कमोबेश 30 साल तक जो है वो कमिश्नरी प्रोविंस रहा। लॉर्ड कर्जन ने मतलब ईस्ट बंगाल को का विजिट फरवरी 1904 में किया, और उसने ढाका चटागांग और मेमन सिंह के लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो जो है वो इनलार्ज करेगी द प्रपोज प्रोविंस, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो मतलब जो है वो उसका दायरा इन तक वसी किया जाए, और ढाका जो है वो एक इस प्रोविंस का नए प्रोविंस का जो है वो कैपिटल होगा, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि जो नया सूबा होगा जिसको ईस्टर्न बंगाल कहा जाएगा, वेस्टर्न बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल की जो कैपिटल था वो कोलकाता था, और जो ईस्टर्न बंगाल होगा उसका ढाका होगा। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और 16 अक्टूबर 1905 को नया सूबा मार्दे वजूद में, यानी इसका फैसला जो है वो फैसला कर लिया गया था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन जो प्रैक्टिकली मतलब जो एप्लीकेबल हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 को। नया सूबा
जो है उसमें तकरीबन 106,500 स्क्वायर माइल्स, टोटल 189,000 था, 189,000 स्क्वायर माइल्स। और जो इसमें से हिस्से आया मतलब जो है वो ईस्टर्न सूबे के, वो अक्सरियती इलाका इनके पास चला गया। और 3 crore 10 lakh लोग, यानी कि 31 million पॉपुलेशन, और उसमें से 66% मुसलमान। इसमें असम था, ईस्टर्न एंड सिदर्न बंगाल था, चटागांग, ढाका, राजशाही, मालदा डिस्ट्रिक्ट से शामिल। ढाका को नया कैपिटल बनाया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो वहां पर एस्टैब्लिश किए गए। अब ये सिलसिला जितना भी यहां पर हुआ, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इसका फायदा जो है वो मुसलमानों को हुआ। जैसा कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि ओवरऑल अगर आबादी देखी जाए, जो मैंने आप लोगों के साथ कबल जो है वो कबल अजीज शेयर की कि जो इस सूबे की कुल आबादी जो रही, जो टोटल पॉपुलेशन थी वो तकरीबन जो है वो 7 crore 8 lakh, और उसमें से आप अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि आधे से थोड़ी कम, वैसे तो 3.5 crore बननी चाहिए, लेकिन ये तकरीबन 3 crore 10 lakh के करीब जो आबादी थी, ये मोर और लेस जो है वो नए सूबे को मिल गई, और उसमें से भी 2/3 जो है वो मुसलमान थे। अब इस पॉइंट पर दो रुख हमारे सामने आते हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में स्टांस है वो ये कहता है कि चूंकि सूबा इस वजह से बनाया गया था ताकि मतलब इस सूबे का फायदा जो है वो मुसलमानों को हुआ, और हमारी टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं कि जनाब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। जबकि एक दूसरा स्टांस जो कि पॉपुलर बंगाली स्टांस है और जो बंगाल के अंदर मौजूद है, उस स्टांस के मुताबिक इस सूबे ने बंगाली कौम परस्ती को टुकड़े टुकड़े कर दिया, बंगाली नेशनलिज्म को तोड़ा गया। और जैसा कि ये क्लेम भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर है कि जो उर्दू हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तारीख में ब्रिटिशर्स के आने से पहले सब कॉन्टिनेंट में मौजूद नहीं था। एक क्लेम ये है, बहरहाल इस क्लेम का मैं जवाब कबल अजी दे चुका हूं, बहरहाल ये एक पॉपुलर क्लेम है और ये मतलब बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर बोला जाता है कि पाकिस्तान के पीछे या पाकिस्तान की फोर्स को या उर्दू हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जिन्होंने अराइज किया, दे वर द ब्रिटिशर्स, जिनके दौर में अराइज हुआ, इससे पहले हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नाम की कोई चीज यहां पर मौजूद नहीं। तो वो ये कहते हैं कि बंगाल को तस्लीम करके दो काम किए गए। पहला, बंगालियों को आपस में लड़ाया गया और मुस्लिम नेशनलिज्म को इंटेंशनली राइज करने की कोशिश की गई ताकि मुसलमान जो हैं वो अपने आप को सेपरेट आइडेंटिटी तसव्वुर करें, यानी डिवाइड एंड रूल। दैट वाज बेसिकली द स्टैंड, डिवाइड एंड रूल का जो स्टैंड था वो असल में इसके साथ जो है वो कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता। तो इसको बहरहाल जो ईस्टर्न बंगाल जो प्रीवियसली इग्नोर्ड था और कलकत्ता के ऊपर सारी तवज्जो थी, गवर्नमेंट की अब अटेंशन, जारी सी बात है वहां हाई कोर्ट बनने जा रही थी, वहां पर वकला अब अपने केसेस के लिए उधर ही जाएंगे। इसकी आसान मिसाल ये है कि अगर मतलब कांग्रेस की या वकीलों की अगर एहतजाज है, मतलब सपोज अगर आज पंजाब को तकसीम कर दिया जाता है,
तो वो तमाम वकला जो अपना मतलब जिनके पास पूरे पंजाब के केसेस आते हैं, जो लाहौर में बैठे हुए हैं, तो अब हाई कोर्ट अगर बनती है तो शायद जनूबी पंजाब के अंदर जब हाई कोर्ट बनेगी तो ऑटोमेटिकली वो तमाम केसेस उसी जगह पर सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उधर से केस जो है वो लाहौर के वकला के पास। तो ऐसा ही उस वक्त भी हुआ, कुछ रिसोर्सेस तकसीम होंगे। तो इसको बहरहाल जो कांग्रेस थी उसने ये समझा कि बंगालियों को आपस में लड़ाने की एक कोशिश की गई है और मुस्लिम नेशनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की गई। कुछ फिगर्स हैं जो डाटा, जो स्टैटिस्टिक्स यहां पे हम शेयर कर सकते हैं कि 1901 तक एजुकेशन के लिए कलकत्ता में बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड की गई और ईस्टर्न बंगाल जितनी रकम सिर्फ कलकत्ता में स्पेंड हुई उतनी रकम पूरे के पूरे ईस्टर्न बंगाल में। ईस्ट बंगाल के पास ना तो उस वक्त कोई यूनिवर्सिटी थी ना कोई अच्छा कॉलेज था, और परसिस्टेंट जो डिस्क्रिमिनेशन थी ईस्ट बंगाल के साथ, इससे रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद नहीं थे। ईस्ट बंगाल का जो लार्जेस्ट सिटी ढाका था वो कलकत्ता से सिर्फ 264 मील दूर था, सियालकोट से पिंडी जितना फासला, रावलपिंडी जितना, लेकिन उसको तय करने में 24 घंटे जो थे वो लगते थे ट्रेन से, क्योंकि जो रेलवे नेटवर्क था डेट वाज क्वाइट ऑब्सोलीट, वो तो इतना अच्छा नहीं था। अब अगर हम लोग बात करें कंपेयर एंड कंट्रास्ट की, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ रहे हैं ये काफी हद तक ईस्टर्न बंगाल की इस कहानी को मतलब जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं कि ईस्टर्न बंगाल में टोटल जो मेटल्ड रोड थे चटागांग और ढाका में उनकी तादाद 181 मील थी, और वेस्टर्न बंगाल में 1154 मील। अब आप पैरेलल ही देख सकते हैं, अनमेटल्ड रोल जो रोड थे वो अब आप अंदाजा कीजिएगा कि वहां अनमेटल्ड रोड चटागांग और ढाका में ये कंपैरेटिवली ज्यादा थे, वेस्ट बंगाल में और जो है वो मेटल्ड रोड की निस्बत ये ज्यादा थे। और अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो फिर भी उस तादाद से कम। तो ये यहाँ पर हम लोग आसानी से इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन रिसोर्सेस थे वो वहां पर बहुत रेयर थे। इसमें एक पोस्ट ऑफिस की मिसाल बड़ी कोट इसको इस वर्दी टू कोट के एक लेटर जो कलकत्ता से बनारस जो था वो 479 मील दूर था, कलकत्ता से जो बनारस है वो 9:15 अगली सुबह मिल जाता था, इलाहाबाद में 1 दोपहर को मिल जाता था, ढाका जो सिर्फ 330 मील दूर था और चटागांग जो सिर्फ 264 मील दूर था, ढाका में वही का दोपहर 12 पहुंचता और चटागांग में 264 मील दूर 3 बाद पहुंचता। तो ये हम लोग इस बात का भी हम लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर पोस्टमैन की तादाद अगर आप देखें, आप बंगाल में जो वेस्टर्न बंगाल था उसमें तादाद आप अवेलुएट कर लें, जो लेटर बॉक्स थे उनकी तादाद आप देख लें, जो पोस्ट ऑफिसेस थे उनकी तादाद अगर आप देख लें, तो यहां से एक तरह से उनकी मतलब जो कंडीशन है वो हमें नजर आती। इस हवाले से जब ये फैसला हुआ, यहां से इन स्टैटिस्टिक्स के से ईस्टर्न बंगाल के लोगों की जो सिचुएशन थी वो हमें समझ आ रही है। और मजे की एक बात है कि बंगाल जिसको 1905 में तकसीम किया गया गवर्नमेंट को अपने फैसले को जो है वो इट हैड टू रिवोक, ये रिपटल हुआ 1911 में, और 1911 से 1947 तक ये फिर 112, दैट्स क्वाइट
we can say astonishing factor. और आप अंदाजा कर लें कि 6 साल अगर ये सूबा रहा होगा तो उसमें कितनी सी डेवलपमेंट हुई होगी. अब पाकिस्तान को जो सूबा मिला पार्टीशन के वक्त वो यही ईस्टर्न बंगाल था, जहां पर रोड्स नहीं थे उस तरह से, एजुकेशन उस तरह से नहीं थी, उस तरह से डेवलपमेंट नहीं थी. तो ये बहरहाल मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान के पास नेचुरली थे कि पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था और जो ईस्ट पाकिस्तान था उनमें कंपैरेटिवली ये जो मसला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये बड़ा वाइब्रेंट था. यही वजह है कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो आपको नजर आती है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आती है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि ईस्ट पाकिस्तानी जो थे वो डिप्राइव्ड थे और ये कमोबेश पिछले 100 साल से डिप्राइव्ड नजर आ रहे. गो के वो पाकिस्तान में शामिल तो हो गए लेकिन उनको पाकिस्तान में शामिल होने का उस तरह से फायदा नहीं हुआ. तो 1903 में जब पता चला पार्टीशन ऑफ बंगाल का तो वो कंपैरेटिवली जो हिंदू थे उनमें दो चीजें बड़ी मतलब नुमाया थी. एक एजुकेशन में वो आगे थे, दूसरे नंबर पर कौमियत परस्ती. और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स आप देख ले तो वो हमेशा कौमियत परस्ती और इंडियन नेशनलिज्म की वो बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो कलकत्ता बिकेम द सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट क्योंकि उनको ये देवर एप्रीहेंसिव अबाउट ढाका हाई कोर्ट क्योंकि उनके इंटरेस्ट वहां उस इलाके में थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे. तो बहरहाल वकला ने उस वक्त फिर अखबारात हिंदू न्यूज़पेपर जो बंगाली था जिसको सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिसके एडिटर था और अमृता बाजार पत्रिका एस के घोष इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इसको मतलब रद्द किया और उनको ये लगता था. बहरहाल जी हमारी टेक्स्ट बुक्स तो यही कहती हैं कि मुस्लिम प्रेस बनेगी ढाका के अंदर और उनका जो बिजनेस है वो खराब होगा, अखबारात की सर्कुलेशन कम हो के रह जाएगी. लेकिन असल में ये पीछे वजह नहीं थी. बहरहाल उनके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो थे, मैं उन फाइनेंशियल इंटरेस्ट के ऊपर तो मतलब जो है वो मैं बात नहीं कर रहा. नेचुरली उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को किसी भी सूरत में मतलब नेगेट नहीं किया जा सकता. लेकिन असल चीज जो जिसने अपोजिशन ऑफ बंगाल के हवाले से बात की डेट वॉज द बंगाली नेशनलिज्म. बाकी जो लैंडलॉर्ड्स थे सब कॉन्टिनेंट जो है वो सूद के निजाम पे चलता रहा और हिंदू जो थे वो इस सूद के निजाम साहूकारी जिसको हम बोलते हैं इस निजाम के ऊपर ये चलते रहे. तो कलकत्ता के जो साहूकार थे वो क्या करते कि ईस्टर्न बंगाल के किसानों को कर्ज देते. उसमें वो कर्ज ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को मिलता था बल्कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं को भी मिलता था. यानी कि जारी सी बात है अगर 2/3 मुस्लिम थे तो 1/3 वहां पे नॉन मुस्लिम थे उनको भी कर्ज मिलता था. तो जो कर्ज था उसका जो सूद था जो ब्याज था वो इतना ज्यादा होता कि ये खड़ी की खड़ी फसल जो थे वो कटवा के ले जाते. किसान के पास बेमुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मतलब जो था वो अनाज मिला करता. नस्ल दर नस्लें जो हैं वो इनकी गुलाम बनी हुई तो उनके लिए भी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो डेथ नेल था क्योंकि उनकी जो फ्यूडलिस्टिक सुप्रामेसी थी वो एट स्टेक. तो इस हवाले से
जो कलकत्ता के अंदर रहने वाले बंगाली थे जिसमें अक्सरियत ही तादाद हिंदुओं की थी, दे वेहेमेंटली अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि इससे लगता था कि उनके जो मटीरियल इंटरेस्ट है उसको शदीद तचका लगा, और उन्होंने इसको एसोसिएट किया कि ये पूरी हिंदू नेशन और बंगाली नेशन पर्टिकुलरली ये उसके ऊपर एक चोट मारी गई है। दूसरे नंबर पर नेचुरली उस इलाके के लोगों के ऊपर जब तवज्जो होगी तो उनके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलेंगे, जिसमें हिंदू लीडर महेंद्र चंद्रा ऑफ कसीम बाजार इन द न्यू प्रोविंस द मुस्लिम्स विल बी इन मेजॉरिटी, ये जहां पर टारगेट किया गया मुसलमानों, एंड द बंगाली हिंदूज विल बी इन माइनॉरिटी, तो जिससे मुसलमानों को वापस सुप्रामेसी मिलती हुई नजर आएगी, हम अपनी ही जमीन पर स्ट्रेंजर होकर रह जाएंगे, एंड आई ड्रेड द प्रोस्पेक्ट, द आउटलुक फिल्स मी विद एंग्जाइटी एज टू द फ्यूचर ऑफ आवर रेस, कि हमारी जो नस्ल है वो कहां पर स्टैंड करेगी। हिंदू एजुकेशन के हवाले से जो हिंदू एजुकेशन के हवाले से ये पॉइंट 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो अपने पीक को पहुंचता है, जब न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल ऑफिशियली बना दिया गया। हिंदुओं ने उस दिन को स्याह दिन के तौर पर मनाया, काले लिबास पहने और अपने माथे के ऊपर राख मली कि हमारी कौमियत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उस दिन कारोबार बंद रहे और मरण भर्त रखा गया, फास्ट ऑन टू डेथ। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अनाउंसमेंट रिकॉर्डेड दैट अनाउंसमेंट जो है वो हमारे ऊपर एक बॉम्ब शेल की तरह है, और उसका ये कहना था कि वी फेल्ट दैट वी बीन इंसल्टेड ह्यूमिलेटेड एंड ट्रिक्ड, सो इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, एंटी पार्टीशन मूवमेंट सामने आई, और ये कहा गया कि ये काली माता की ये इंसल्ट की गई है, कि धरती मां और नेशनलिज्म और बंगाली नेशनलिज्म के ऊपर एक काली जर मारी गई है। आई मस्ट से यू पीपल कि मैंने जिस वक्त लेक्चर शुरू किया था, मैंने कैटागोरिकली इस बात को आपके सामने शेयर कर दिया था कि ये जो जितनी मूवमेंट थी It was basically, you can say, एक स्टैंड के ऊपर खड़ी थी, and the stand was, I must say you, बंगाली नेशनलिज्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्लेम करती थी कि इंडियंस जो हैं, वो उन सब की ये नुमाइंदा जमात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी इसको डिस्कार्ड किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी इसके इसके हवाले से बात की गई, हत्ता के उनको इंडियन नेशनलिज्म की बात करनी चाहिए थी। एंड जब मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं आप लोगों के साथ बात कर भी रहा था तो मैंने ये कैटेगोरिकली कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की डे वन से पॉलिसी ये रही है कि दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ इंडियन नेशन। वो हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कौम नहीं मानते थे, बल्कि वो एक कौम के तौर पर तस्लीम करते थे, और मुसलमान जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होने की वजह बड़ी सादा सी थी कि एक उनका वो इलेक्शन का सिस्टम वो डिमांड करना था जो कि इधर मौजूद था इंग्लैंड के अंदर, और दूसरे नंबर पर जो ओपन मैरिट इंडियन सिविल सर्विस का इम्तहान था। तो ये इस बात के ऊपर सैयद अहमद खान साहब ने उस वक्त रोका भी था कि मुसलमान जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे शामिल नहीं होंगे। बहरहाल जी उस वक्त सैयद अहमद खान साहब के ऊपर भी इल्जाम लगे, तो
अच्छी खासी अपोजिशन जो है वो हमें यहां पे नजर आए, और इस अपोजिशन के पीछे अगर कोई फोर्स मौजूद थी तो वो यही थी कि बंगाल को उसकी जो पार्टीशन हुई है इसको अनल किया जाए, इसको जो है वो रिबटल होना चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए, जो रीडिमार्केशन है ये हमें जो है वो मंजूर है। इवन बंगालियों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को करार दिया गया तो वो लॉर्ड कर्जन को करार दिया गया। यहां तक सिलसिला नहीं है, बल्कि ये बात मतलब जो है वो हमें नजर भी आती है पाकिस्तान बनने के बाद भी, कि जो बंगाली सेंटीमेंट है ये बड़ा पावरफुल सेंटीमेंट रहा 1947 से 1971 तक। तो इसको सिर्फ ये कहना कि जनाब ये मुसलमानों के लिए एक मूवमेंट बनी थी या मुसलमान इससे अवेयर हो रहे थे अब से, कि मतलब ये सिर्फ एक एंगल होगा अगर हम इस पॉइंट पर बात